जो न्यायालय का जो फैसला है वो सबके सामने है और इसमें जमानत भी ले ली गई है और आगे इसको लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन आज जो राजनीति है जिसमें राजनीतिक सूचिता ख़त्म हो गई है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी राहुल जी को मीर जाफर तक उन्होंने कहा, राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकते हैं, राजनीतिक लड़ाइयाँ भी हो सकती है और लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो एक दूसरे प्रति सम्मान के भाव थे, जो शुचिता थी, वो समाप्त हो गया है। पिछले दशकों में हम देखेंगे तो चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, चाहे वो अटल जी हों, अडवाणी जी हों, मुरली मनोहर जोशी जी हों, या उसके पहले के नेताओं को भी हम देखें तो एक दूसरे के प्रति, चाहे समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात, चाहे वो राम मनोहर लोहिया की बात करें, चाहे वो जयप्रकाश नारायण हो, चाहे वो चंद्रशेखर हों, एक दूसरे नेताओं के प्रति बड़े सम्मान के भाव भी रहता था और एक दूसरे सम्मान देते भी थे, विचारधारा अपनी अपनी थी और विचार के लिए लड़ते भी थे। इसका एक जीता जाता उदाहरण जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे और अटल जी की तबीयत खराब हुई थी और उसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता था, तो यहाँ के जो प्रतिनिधिमंडल सांसदों गया था उसको परमानेंट मेंबर बना के अमेरिका भेजा गया, उसका इलाज कराया गया और इस बात का खुलासा राजीव जी के देहावसान के बाद, उसकी शहादत के बाद अटल जी ने खुद किया था। तो ये एक राजनीति परस्पर जो सद्भाव था अब वो समाप्त हो गया है और उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग। प्रधानमंत्री जी सोनिया जी के प्रति क्या क्या बोले, राहुल जी के बारे में क्या बोले हैं और ये संबित पात्रा जैसे लोग किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये जो स्तर गिराने का काम है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं जो कि उचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दो टारगेट में है। भारतीय जनता पार्टी भयभीत है तो कांग्रेस पार्टी से और डरी हुई है तो राहुल जी से। राहुल जी जिस प्रकार से पद यात्रा कर रहे हैं, जिस प्रकार से विपक्ष से बयान देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं उस सरकार का, तो उससे वो विचलित हैं और वो किसी स्तर पे जा सकते हैं। अभी पिछले एक सप्ताह से आप देखेंगे कि लोकसभा बाधित है। पहले तो ये होता था विपक्ष किसी मांग को लेकर अड़ते थे और लोकसभा बाधित होता था, राज्यसभा बाधित होता था, लेकिन ये पहली बार है कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा राज्यसभा दोनों नहीं चलने दे रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।